इधर कोटा के बयान वीर विधायक भवानी सिंह राजावत के अधिकारियों से अभद्रता के मामले ने अब सियासी रंग लिया है। कांग्रेस राजावत के बयान पर हमलावर हो गई। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव के वक्त राजावत को किसानों की याद आ गई है। जब सत्ता का सुरूर सिर पर चढ़ जाता है तो नेता अधिकारी को पैंट में पेशाब करा देता है, और जब नेता की भाषा की मर्यादा टूटती है तो गालियों के ग्रंथ छप जाते हैं। कानून को अपने जूते की नोक पर रखने वाले विधायक भवानी सिंह राजावत को सुन लीजिए, राजा होने का एहसास हो जाएगा। पावर की नाल से निकलती गालियां सरकार के कारिंदे के लिए जलालत का सर्टिफिकेट था। किसानों की नजरों में उठने के लिए लाडपुरा के विधायक गालियों के गोबर में गिरते चले गए। बाद में एक घंटा हो गया, मैं इंतजार कर रहा हूँ या बैठा बैठा, मैं जहाँ पर दूंगा तो पेंट में अपने साफ कर दोगे। शर्म भी आती तुम्हें? किसानों के ऊपर कुठारा घात कर रखा है, माल को नहीं तोल दो, कोई आचार संहिता नहीं होती। ये आचार आधा सुधार लो, रजिस्ट्रेशन करना बंद कर दिया, क्यों बंद किया? गालियों के परम ज्ञानी माननीय विधायक भवानी की ताकत देखकर WWF के पहलवान थर्रा जाते हैं। विधायक जी के एक झापड़ में इंसान पैंट में पेशाब कर देता है। संविधान की सांसों पर गालियों की गोलियां मारने वाले विधायक श्री भवानी जी किसानों के दर्द में ऐसे पिघले कि जुबान पर कंट्रोल खो बैठे। फिर गल्ला मंडी में सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार अजय सिंह पवार को ऐसी गालियां दी कि गली के लफंगे भी अपने ऊपर लानत भेज रहे होंगे। मैं ये गंभीरता के साथ आरोप लगाना चाहता हूं कि माननीय भवानी सिंह जी राजावत के कृत्य से किसानों को लाभ की बजाय नुकसान हुआ है। राजफेड और सहकारिता के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, अधिकारी छुट्टी पर चले गए, जो काम चल रहा था वो काम भी रुक गया, और भवानी सिंह जी राजावत की ये गतिविधि किसान विरोधी गतिविधि साबित हुई है। चुनाव में चंद वोटों की तलाश में निकले भवानी राजावत ने भाषा की मर्यादा के ऐसे चीथड़े उड़ाए जिसे देखकर जुबानी सभ्यता शर्म के समंदर में पानी भरने लगे। जमाने के सामने अफसर की जलालत करने वाले विधायक शान में मूंछों पर हाथ फेर रहे हैं तो अधिकारी का जमीर नौकरी को लात मारने की बात कह रहा है। सुनिए साहब, इंसान जब इंसान को इंसान मानने से इनकार कर देता है तो इंसानियत उसे अपने कुनबे से खारिज कर देती है। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। इधर कोटा में विधायक भवानी सिंह राजावत के विवादित बयान का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां राजफेड के अधिकारियों के समर्थन में सभी कर्मचारी एक हो गए और बैठे लामबंद होकर, वहीं दूसरी तरफ राजावत के समर्थन में किसानों ने मोर्चा खोल रखा है। किसानों की माने तो राजावत किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अधिकारी चोरी कर सेनाजोरी कर रहे। किसान नेताओं का कहना है कि राजावत ने किसानों के हक की लड़ाई लड़ी है। किसानों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर राजफेड के अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और किसानों की उपज का समर्थन मूल्य पर तुलवाने की मांग की है। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी वहाँ पर बात सुनने के लिए नहीं आया, और एक किसान जिसका कि 5600 रुपए उड़द बिकना चाहिए और 500 रुपए उड़द बिका, वो राजा सामने गिड़गिड़ाने लगा कि साहब मैं तो बर्बाद हो गया मैं कैसे। और इस तरह के कितने किसान थे जो गिड़गिड़ा रहे थे। ऐसी स्थिति में राजा साहब का गुस्सा फूटना स्वाभाविक था, लाजमी था, क्योंकि वो गरीबों की देसी है और किसानों की देसी है। उन्होंने लताड़ लगाई अधिकारियों पर, वो स्वाभाविक था, क्योंकि वो इतने भ्रष्ट अधिकारी हैं। आपका मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबको पता है कितने भ्रष्ट अधिकारी हैं।